Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PD Education. So today we are going to solve and we'll try to understand the concept behind deflection of beams, a very important topic from a strength of material point of view. इससे हर साल किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चंस गेट के अंदर आते हैं. टुडे वी हैव टेकन अ क्वेश्चन फ्रॉम NPTEL असाइनमेंट इटसेल्फ एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी गुड. We'll try to solve this question without the help of any sign convention. We won't take any, किसी भी तरीके का कोई sign convention नहीं. Just on the basis of purely your understanding, आप deflection of beams के question को solve कर पाएंगे. The only requirement is that you should know how to draw shear force diagram and bending moment diagram. That is the requirement which is required to solve questions in shear force diagram and bending moment diagram. Primarily, today we'll be solving question using moment area method. I'll take this question in very detail. इस क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं कि मोमेंट एरिया मेथड क्या होता है, लाइक व्हाट आर द थ्योरम्स एसोसिएटेड विद इट एंड हाउ टू करेक्टली यूज दोज थ्योरम्स. ओके, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड मोमेंट एरिया मेथड इज अ यूनिवर्सल मेथड. यू कैन यूज दिस मेथड इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वेश्चन. किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, आप उसके लिए मोमेंट एरिया मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. So without wasting any time, let's move further and let's try and solve this question. So this question is given, like we have a beam A, B, C, D and it is overhanged at point D. The loading shown is below as 150 kN and 30 kN. The distances are 4 meter, 6 meter and 4 meter. Okay, you can take it just an example, just take example question hai ye. यहाँ पे लोडिंग को चेंज किया जा सकता है. ओके, डिस्टेंसेस चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बीम कैन चेंज. पूछा क्या है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी. अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विल सॉल्व विदाउट यूजिंग एनी साइन कन्वेंशन, पूरे के पूरे सोम के अंदर या पूरे के पूरे डिफ्लेक्शन के अंदर वी डू नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ साइन कन्वेंशन. ओके, दैट्स द बेस्ट पार्ट. हमें कोई साइन कन्वेंशन कभी यूज़ नहीं करना. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाएगा तो नेगेटिव लेंगे. जैसी इच्छा है वैसा ले सकते हैं. इट डजंट मैटर इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, यू डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ साइन कन्वेंशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज अभी हमें डी पर वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन. ओके, अब डी पर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो डी पॉइंट है ये बीम के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. We'll have to look at that. ये जो beam है किस तरीके से deflect करेगी. For that, let me tell you कि हमारा process क्या रहेगा इस question को solve करने के लिए. देखिए, कोई भी beam दे रखा है, पहले इसको समझें एक बार. कोई भी beam structure दे रखा है, कुछ किसी भी तरीके की loading दे रखी है. Okay, इसके लिए सबसे पहला जो calculation होता है that is reaction. Okay, with the help of reaction we draw shear force diagram. With the help of shear force diagram we draw bending moment diagram. With the help of bending moment diagram we draw approximate deflection curve. We'll draw approximate deflection curve. Approximate deflection curve अगर मुझे पता है तो उससे मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट डी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. अभी देखने से यू कैन नॉट से कि ये जो बीम है ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी या फिर इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी. वी डू नॉट नो. बाय द टाइम हमें पता चलेगा कि नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे जाएगी. कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. वी विल नो दिस विद द हेल्प ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो लेट्स रिमूव दिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड दिस इज वर्टिकल रिएक्शन एट सी. So firstly we'll have to find what are the reaction components. जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे पहला काम है कि हमें reaction निकालने हैं, then shear force diagram, then bending moment diagram और फिर हम लोग approximate deflection कर पाएंगे, फिर deflection वाला part शुरू होगा. Okay, so this is our today's context to draw deflection curve. So firstly let's quickly calculate what will be the value of reactions at A and C. I'm sure most of you would be able to find out the reactions, but still I'll be doing it for you. First expression is summation force in y direction equal to 0.
this will give me VA plus VC equal to 150 plus 30, 180 kilonewton. VA plus VC equal to 180 kilonewton. Secondly, we'll write submission moment at, let's say, A equal to 0. Submission moment at A equal to 0. You can also write submission moment at C equal to 0. You can write any expression. So, hamare paas mein kya aayega? We'll get 150 into 4 minus VC into 10 plus 30 into 14 equal to 0. Using this expression, you can calculate the value of reaction at point C. So, if you solve, you get the value of reaction at C as 102 kilonewton. This you will get as 102 kilonewton. Okay. और अगर आपको reaction at C आ रहा है 102 kilonewtons, तो reaction at A हमारे पास में आ जाएगा. We'll just simply use this expression. तो reaction at A कितना आ जाएगा? 78 kilonewton. Reaction at A कितना आ गया? 78 kilonewton. This is coming out to be 78. This is coming out to be 102. All right. Now let us draw shear force diagram. I am assuming ki most of you would be able to draw shear force diagram. ठीक है? तो shear force diagram कैसा बनेगा? Firstly, this is going to be 78. Then we have this point, and again we have this point. I'm sure shear force diagram banana is very easy for you when you are preparing for GATE exam and all. This is here, it will come down to 72. This is plus, minus, and then plus. Okay, this is our shear force diagram. Now, based on shear force diagram, this is 4 meter, this is 6 meter, and this is 4 meter. So, based on shear force diagram, we'll try to draw its bending moment diagram. So, I will take just this shear force diagram again. It was something like this. This was our shear force diagram. 78, 72, and it was 30 here. Plus, minus, plus. The distances were 4 meter, 6 meter, and 4 meter. Okay. Now, let us draw its bending moment diagram. Let me mark the points. This is A, B, C, and D. Now to draw its bending moment diagram, we'll use this expression. dm by dx equal to v, which means the rate of change of bending moment diagram is equal to the value of shear force itself. The derivative of bending moment at a point x will give us the value of shear force at that point x. So, from A to B, shear force diagram will look something like this. Then it will go down and then it will again come back here. Okay, this value here is 120. Okay, and then this value will be equal to, since this is 78, the value of bending moment at this point will be 312 plus minus. This is our bending moment diagram. So, very simply, what I'll do, this is the bending moment, very simple bending moment diagram that I have plotted over here. I need to calculate this point as A, this point is B, this point is C, this point is D. Let me find what is the value of point X. What is this distance? Okay.
So if you see, the slope here will be equal to 72. Since as I wrote, मैंने क्या लिखा है, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बेंडिंग मोमेंट का स्लोप लिखता हूँ, dm by dx is the slope of bending moment diagram. जैसे हम लिखते हैं dy by dx, dy by dx क्या होता है? It is the slope of function y. वैसे ही dm by dx क्या है? It is the slope of bending moment diagram. अब bending moment diagram का slope है, तो bending moment का slope किसके बराबर है? Shear force के बराबर. तो इस region में जो shear force है 72, वो इसके लिए क्या है? Slope है. So if I want to calculate this x distance, तो x distance किसके बराबर आएगा? If you see just this triangle, किसके बराबर आएगा? This is 312, 72 और ये हो गया x. हमें x निकालना है. कैसे निकालेंगे? Tan theta लिखते हैं सब. Perpendicular upon base, this is 72. Perpendicular is 312 upon x. तो x हमारे पास में आएगा 312 by 72. Okay. 312 by 72. So, if you solve it, you will get 4.33 meter. X will come out to be 4.33 meter. If this is 4.33, then this is 1.67 meters. Okay. So, this is the bending moment diagram that I have drawn till now. Till now, अभी तक हमने हमारा क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया. दिस इज द बैकग्राउंड वर्क, दिस इज प्रायर वर्क दैट वी आर डूइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिफ्लेक्शन. ओके, नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस क्वेश्चन अगेन. थर्टी किलो न्यूटन यहां से यहां तक 4 मीटर, देन 6 मीटर, देन 4 मीटर. ओके, अब मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमने अभी अभी देखा था. इट्स वैल्यू हियर इज 312 एंड द वैल्यू हियर वॉज 120. ओके, द डिस्टेंसेस आर स्टिल 4 मीटर, 4.33. सॉरी, दिस इज नॉट दिस. यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 4.33. फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 1.67 एंड यहां से लेके यहां तक इट इज 4 मीटर. ओके, अब देखो बहुत ध्यान से देखना. इफ आर बेंडिंग मोमेंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट वाज एक्स, बी, सी एंड डी. फ्रॉम ए टू एक्स, ए से एक्स तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पॉजिटिव. ए से एक्स तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ए से एक्स तक बीम क्या करेगी? सैग करेगी. बीम विल सैग. तो ए से एक्स तक बीम को करा दो सैग. कैसे करेगी? इट विल सैग समथिंग लाइक दिस. ओके, ये सैग करेगी और उसके बाद में एक्स से डी तक बीम को क्या करना है? हॉग करना है. बीम विल हॉग. तो यहां से लेके बीम हॉक कैसे करेगी? समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट डिफ्लेक्शन कर्व. आपको कोई परफेक्ट शेप नहीं चाहिए, जस्ट नीड टू हैव कि अप्रोक्सीमेटली बीम किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर सकती है. ओके, नाउ अब मुझे दिख रहा है कि दिस इज माय पॉइंट डी, दिस वाज माय इनिशियल पॉइंट डी. डी पॉइंट पे बीम जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है. वी डोंट नीड टू कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझना है दैट दिस इज द डिफ्लेक्शन दैट वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, शियर फोर्स डायग्राम का कॉन्सेप्ट आया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद में हमारे पास में ये चीजें आई हैं. नाउ सी, ए
B, C, D, and this was X. Now see, this is deflection at D, correct? क्या करेंगे? Deflection at D निकालने के लिए we'll use moment area method. थ्योरम वन. मोमेंट एरिया मेथड का थ्योरम वन क्या है? इट इज डिनोटेड बाय टी ए अपॉन बी. दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी. बहुत ध्यान से समझें, ये चीज यू वोंट फाइंड एनीवेयर. ठीक है, दिस यू वोंट फाइंड एनीवेयर. ये कहीं पर नहीं है, दिस इज ओनली इन द टेक्स्ट बुक्स. सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनपीटीएल के लेवल का क्वेश्चन है. टी ए बाई बी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी. नेक्स्ट इज, इसी का दूसरा मतलब क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक कर्व एंड द बीम एट पॉइंट बी. वर्टिकल डिस्टेंस है और इसी का दूसरा मतलब क्या है? दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया बिटवीन ए एंड बी अबाउट पॉइंट बी. बिटवीन ए एंड बी अबाउट पॉइंट बी. अबाउट पॉइंट बी. नाउ सी, जब हम लोगों को ये चीज कैलकुलेट करनी है, सबसे पहला एक माइन्यूट सा चेंज ये करना होता है. ये जो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया ना, इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को वी कन्वर्टेड इनटू एम अपॉन ई डायग्राम. इट्स नथिंग वेरी न्यू. आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यूज आई हैं उनको डिवाइड बाय ई आई करना है. दैट्स इट. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू. दिस इज आवर थ्योरम वन. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये समझे. यहाँ पे ये टी ए बाई बी क्या देता है? दिस इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी. ए से हमने बी तक टेंजेंट ड्रॉ किया है. इसी का दूसरा मतलब क्या है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक कर्व एंड द बीम. इलास्टिक कर्व का मतलब क्या है? इट इज डिफ्लेक्शन कर्व. जो अप्रोक्सीमेट डिफ्लेक्शन कर्व हमने ड्रॉ किया है, अप्रोक्सीमेट डिफ्लेक्शन कर्व एट पॉइंट बी. इसी का दूसरा मतलब क्या है, तीसरा मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ एरिया बिटवीन ए एंड बी अबाउट पॉइंट बी. बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया है. सो यहां पे देखो, मुझे डी पर डिस्टेंस निकालना है. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, अगर मैं सी से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम सी, इट विल गो समथिंग लाइक दिस. ये सी से टेंजेंट हो गया. ओके, देखो समझो, यहां पे दिस डिस्टेंस इज व्हाट? टी सी बाय ए. क्या होता है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सी टुवर्ड्स ए. टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सी टुवर्ड्स ए. ये यहां से यहां क्या हो जाएगा? इट विल बी टी सी अपॉन डी. टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सी टुवर्ड्स डी. ओके, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सी टुवर्ड्स डी. दिस इज जस्ट अ स्लाइट. ये क्या है? सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है. दिस इज डिस्टेंस टी सी बाय डी. ओके, अगेन दिस इज व्हाट? थीटा सी. दिस इज व्हाट? थीटा सी. ओके, देखो यहां पे समझो, अगर मुझे थीटा सी को निकालना है, हमें हमारा फाइनल एम क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट वाई डी. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट वाई डी. दैट्स आवर फाइनल एम. तो वाई डी को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन में लिखने वाला हूं, यहां पे ध्यान से देखना. लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस. ओके, नॉट एन इशू. लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइड.
वाई डी एक्चुअली किसके बराबर होगा? दिस साइड, ओके दिस साइड माइनस टी सी बाई डी। इस पूरे साइड में से टी सी बाई डी को मैं माइनस कर दूं तो मुझे डिफ्लेक्शन है डी मिल जाएगा। ये पूरा साइड किसके बराबर है? थीटा सी इंटू 4 मीटर, करेक्ट। थीटा सी इंटू 4 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ओके बेटर व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्रिएट, वापस से बना देते हैं, ओके लेट मी जस्ट रिमूव दिस लोडिंग, हमें लोडिंग की जरूरत नहीं है। बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई, दिस इज ए बी सी डी, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज 312 अपॉन ई आई, दिस इज 120 अपॉन ई आई, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, लेट मी कॉल दिस एज एक्स, जहां पे हमारा चेंज हुआ। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट मी ड्रॉ इट विद दिस कलर। सी पॉइंट से मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ओके। तो इलास्टिक कर्व से इस टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सी टूवर्ड्स ए, यहां से लेके ये किसके बराबर है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सी टूवर्ड्स डी, दिस एंगल इज थीटा सी, दिस एंगल इज अगेन थीटा सी। नाउ दिस वॉज 4 मीटर, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिफ्लेक्शन, ओके दिस डिफ्लेक्शन, ये वाई डी हमें निकालना है। देखो जो हमारा प्राइमरी इक्वेशन है वो प्राइमरी इक्वेशन क्या रहेगा, वाई डी दिस इज इक्वल टू 4 into θc माइनस टी सी वाई डी, दिस इज आवर प्राइमरी इक्वेशन। दूसरा थीटा सी कैसे निकलेगा, थीटा सी मुझे सिंपल सा दिखता है, ये स्लोप किसके बराबर है? दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय हाउ मच, 10 मीटर का डिस्टेंस है इस ट्राइंगल में देखेंगे तो दिस इज 10 मीटर, टी सी बाय ए डिवाइडेड बाय 10 मीटर। अब देखो टी सी बाय ए क्या आएगा, टी सी बाय ए दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया बिटवीन, मोमेंट ऑफ एरिया अंडर एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड सी अबाउट सी, ए एंड सी अबाउट सी, मतलब आपको करना क्या है, इस एरिया का दिस इज ए बी एक्स सी और दिस इज डी। मैं आपको एक्सप्रेशन लिखूंगा, ओके आई विल जस्ट राइट द एक्सप्रेशन और उसके बाद में आई विल नॉट सॉल्व इट, मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू बता दूंगा। तो टी सी बाय ए हमारे पास में कुछ आ जाएगा, ओके देखिए एक्सप्रेशन कैसा आएगा, लेट्स जस्ट राइट दिस थिंग एज, दिस इज आवर पॉइंट वन, ट्राइंगल वन, ट्राइंगल टू, ट्राइंगल थ्री, ट्राइंगल फोर। हमें क्या करना है, ओके दिस इज अबाउट पॉइंट ए, नॉट अबाउट सी, दिस इज अबाउट पॉइंट ए, जहां तक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वहां तक अबाउट पॉइंट ए। तो फर्स्ट वाले एरिया का, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, कितने डिस्टेंस पे आएगा, 2/3 of 4। दिस इज एन एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ एनपीटीएल, दैट इज व्हाई इट विल टेक सम टाइम, इट्स नॉट दैट इजी। प्लस सेकेंड वाला ट्राइंगल है, कितना आएगा, एरिया इज हाफ इंटू बेस 6, नॉट 6, इट इज 4.33 इंटू हाइट इज 312 अपॉन ई आई इंटू,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज 4, ये है हमारा 4.33, 4 प्लस 1/3 ऑफ 4.33, सो दिस इज 4 प्लस 1/3 ऑफ 4.33 प्लस, अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज इन नेगेटिव, नेगेटिव में, तो यहां पे प्लस लगाने की जगह व्हाट विल इंट्रोड्यूस, माइनस, अब माइनस करेंगे, एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इज 1.67 इंटू हाइट इज 120 अपॉन ईआई, ऑलराइट, इंटू ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, दिस इज 8.33 प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस दैट इज 2/3 इंटू 1.67, ऑलराइट, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके लिए जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, आपको टी सी बाय ए दिस यू शुड गेट क्लोज टू 6400, सॉरी नॉट 6400, 4400 अपॉन ई आई। अगर मुझे टी सी बाय ए पता चल गया, जस्ट इसको सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे, 4400 ई आई आ गया है, तो मुझे टी सी बाय ए पता है, तो डू आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सी, तो यहां से हमारे पास में थीटा सी का वैल्यू आ जाएगा 4400 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 440 अपॉन ई आई, यहां से हमें मिल गया थीटा सी का वैल्यू। आपसे क्वेश्चन के अंदर यह भी पूछा जा सकता था कि भाई स्लोप की डिफ्लेक्शन की जगह यू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप, सी पॉइंट पर आपसे स्लोप पूछ लेते, ओके, नाउ दिस वाज प्रीटी इजी, इट इज नॉट टफ, वी हैव नॉट यूज्ड एनी सॉर्ट ऑफ साइन कन्वेंशन टिल नाउ, किसी तरीके का साइन कन्वेंशन हमने यूज नहीं किया, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। अब दूसरा आते हैं डिफ्लेक्शन एट डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफ्लेक्शन एट डी किसके बराबर है, 4 टाइम्स थीटा सी माइनस टी इंटू सी डी। अब मैं लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट so that I can write the expression here itself. I will remove this. Now see, हमें क्या लिखना है, theta c का value हमें मिल गया, that is equal to 440 upon ei. हमें निकालना क्या है, t c by d. क्या है ये, this is equal to moment of area under m upon ei diagram between c and d about which point, d point, about d point, so d point ke about t c by d kitna aega, half into base is 4 into height, this is 120 upon ei, or iska moment hume kahan pe lena hai, d point ke about, तो कितना डिस्टेंस आएगा, 2/3 ऑफ 4th, 2/3 इंटू 4, तो टी सी बाई डी हमारे पास में आएगा, 2 इंटू विल कैंसल आउट, 6400 अपॉन ई आई, ये आ गया हमारे पास में टी सी बाई डी, 6400 अपॉन ई आई, कोई साइन कन्वेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा इस एक्सप्रेशन को उठा के यहां रखेंगे, थीटा सी यहां पे रखेंगे, हमें yd का वैल्यू निकल आएगा। देखते हैं आगे, डिफ्लेक्शन एट डी मैंने लिखा है 4 टाइम्स थीटा सी माइनस टी सी बाय डी 4 इंटू माइनस 6400 अपॉन ई आई, ओके, दिस इज नॉट 4 इंटू 4400 नहीं है, दिस इज 440, ओके,
and this should not be 6400. This is going to be, आप इसे सॉल्व करोगे, दिस विल बी 640. 64 इंटू 10 वो 640 है. मिस्टेकनली आई हैव रिटन दिस 4 इंटू 440 अपॉन ई आई माइनस 640 अपॉन ई आई. आप जैसे इसे सॉल्व करोगे, दिस इज 1120 अपॉन ई आई. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, और ये वैल्यू एग्जाम में पूछी गई है. ओके, दिस वैल्यू हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, नॉट एग्जामिनेशन, एक्चुअली असाइनमेंट का पार्ट है, तो उसके अंदर ये चीज पूछी गई है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. द क्वेश्चन वॉज अ बिट लेंदी, बट हाँ, वी हैव सॉल्व दिस विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ साइन कन्वेंशन या किसी भी और फॉर्मूले के बगैर. जस्ट दिस इज प्योरली प्योरली योर थियोरम्स. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, एवरीवन टेक केयर. बाय बाय.